मन, बुद्धि और शरीर, इन तीनों में कौन ज्यादा ताकतवर है? मन इन तीनों में सबसे ताकतवर है। मन इंसान को समृद्धि के शिखर तक पहुंचा सकता है तो वहीं दूसरी तरफ विनाश के मुख तक भी पहुंचा सकता है। मन यदि इंसान के वश में है तो वह इंसान इस दुनिया में किसी भी चीज को प्राप्त कर सकता है, और यदि इंसान स्वयं मन के नियंत्रण में है तो उसका सर्वनाश निश्चित है। इसलिए सदैव याद रखें कि भगवान ने हमें बुद्धि दी है मन को नियंत्रित करने के लिए। कोई भी व्यक्ति सफल इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि उसका मन स्थिर नहीं है या उसका मन उसके नियंत्रण में नहीं है। वह बहुत जल्दी उस वस्तु की ओर आकर्षित हो जाता है जो उसे तात्कालिक सुख देगी। अब आप स्वयं विचार करें कि क्या आपका मन आपके नियंत्रण में है, क्या आपका मन स्थिर है। और सदा ध्यान रखें, जो चीज आकर्षक होती है विनाश के सूत्र भी उसमें छुपे होते हैं। मन का कार्य यही है, वह मनुष्य को कंफर्ट जोन की ओर ले जाता है और वह मनुष्य अपने लक्ष्य से भटक जाता है और छोटे मोटे सुख में अपना समय बर्बाद कर देता है और अंत में पछताता है। इसलिए अगर इस दुनिया में बदलाव लाना चाहते हो तो सबसे पहले खुद में बदलाव लाओ, और अगर खुद में बदलाव लाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन में बदलाव लाओ।